डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझते हैं विभव क्या होता है। विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, अगर हम यहाँ पर बात करें तीन बिंदु ए बी और सी, तो इन पर मान लो ए पर विभव है 200 वोल्ट, यहाँ पर है 600 वोल्ट और यहाँ पर है 700 वोल्ट। तो विभव का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा ग्रहण करने की संभावना किसी भी बिंदु पर। हमने चार्ज को एक बार यहाँ पर रखा, एक बार चार्ज को यहाँ पे रखा, एक बार चार्ज को, चार्ज मतलब आवेश को यहाँ पर रखा, तो तीनों बिंदु पर हमने आवेश को रखा तो आवेश क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो जिस बिंदु पर ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगा हम ये कहेंगे उस बिंदु पर विद्युत विभव ज़्यादा है। ये ऐसे ही है कि, तो आप ये समझ सकते हो कि विभव का मतलब होता है कि ऊर्जा ग्रहण करने की संभावना। ये ऐसे ही है जैसे मान लो अपने को एक स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, स्टेशनरी मतलब कॉपी किताबों की अगर आपको दुकान खोलनी है तो उसको आप कहाँ पर खोलोगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मंदिर के पास खोल लें, किसी टेंपल के पास खोलो, या फिर स्कूल के पास खोलो, स्कूल या कॉलेज के पास। क्लियर है कि नहीं? तो अब यहाँ पर ध्यान देना, तो कहाँ पर आपकी जो सेल है वो होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको स्टेशनरी शॉप खोलनी है तो आप जाहिर सी बात है आप मंदिर के पास तो कॉपी किताब बेच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम खोलेंगे स्टेशनरी शॉप तो यहाँ पर उसकी सेल होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे ही होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव होता है किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर ऊर्जा ग्रहण करने की संभावना। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो अपने घरों में 230 वोल्ट आती है और ट्रांसफार्मर में जो लाइन आती है वो 11000 वोल्ट आती है, तो इसको जब हम टच करते हैं तो यहाँ पर जो आवेश होता है उसके पास ऊर्जा कम होगी जबकि इसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो जब हम इस लाइन को टच करेंगे तो अपने को थोड़ा सा शोक लगेगा, हम आसानी से उसको झेल लेते हैं क्योंकि उस वाले आवेश के पास ऊर्जा कम है और यहाँ पे जो ऊर्जा है आवेश के पास वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इस वाली लाइन को टच करते हैं तो अपने को काफ़ी दिक्कत होती है, इवन डेथ तक भी हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर जो आवेश हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ऊर्जा वाले हैं। जितना ज़्यादा विभव होगा वहाँ पर ऊर्जा ग्रहण करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अब हम परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हम विभव को परिभाषित करें। तो देखो, मान लो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, इस बोर्ड पर विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु है ए, इस बिंदु पर हम विभव को कैसे परिभाषित करेंगे उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश, ये मान लो अपने पास कोई परीक्षण आवेश है Q0, इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से धीरे धीरे इस बिंदु A पर लेकर आते हैं। अब ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना, ये विद्युत क्षेत्र है E, जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को लाएंगे धनावेश को, तो धनावेश पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को इधर भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसके विरुद्ध जाकर अगर हम इसको धीरे धीरे इधर लेकर आते हैं तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मान लो इस आवेश क्यूनॉट को अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में हमें W कार्य करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? अनंत से कहाँ तक लेकर आए हम, ए तक, इसको हम लिख देंगे W अनंत A, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो क्यूनो
छोटा आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम बोलेंगे ए बिंदु पर विभव। तो परिभाषा हो जाएगी, देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य कोई हम विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है? विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा विभव का V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, जहां W कार्य है और Q नॉट आवेश है। मात्रक की अगर हम बात करें तो देखो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो विभव का मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलम, इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्लियर है? तो विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q नॉट। ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम या फिर वोल्ट कह सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? विमा की अगर हम बात करें तो देखो विभव की विमा कैसे निकालेंगे, कार्य की विमा बटे में आवेश की विमा। तो कार्य को हम लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन F डॉट dr। क्लियर है कि नहीं? और आवेश को Q नॉट लिख देंगे। बल की विमा सबको याद है M1 L1 T-2, ये दूरी है, दूरी की होती है L1। आवेश की विमा भी सबको पता होगी A1 T1। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगी M1 L1 और 1-2 हो जाएगा L2 T माइनस टू ये है, इस T को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगी T की पावर, और A को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये है इसका V में सूत्र विभव का M1 L2 T-3 A-1। क्लियर है कि नहीं? तो ये है इसका विमीय सूत्र। अब हम बात करते हैं विभव की, जो CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है विभव का स्टेट वोल्ट, और ऐसा ही मात्रक था इसका वोल्ट। दोनों मात्रों में जो रिलेशन होता है ये होता है वन वोल्ट इक्वल्स टू वन अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। क्लियर है? तो ये आप कैसे निकालते हैं रिलेशन, क्योंकि देखो अपने को कार्य का भी CGS मात्रक पता होता है, अर्घ होता है, और एक जूल में कितने अर्घ होते हैं ये अपने को पता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता था कूलाम, और इसका CGS मात्रक होता था स्टेट कूलाम, दोनों में भी रिलेशन पता है। उन दोनों रिलेशनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है अपना वन वोल्ट इक्वल्स टू इतना स्टेट वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद जो विभव है ये अदिश राशि होती है, विभव अदिश राशि है। देखो अदिश राशि है तो इसको जोड़ना घटाना बिल्कुल सिंपल रहेगा, तो फिजिक्स में मुख्य जो दो ही प्रकार की राशियां हम काम में लेते हैं, एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। सदिश को जोड़ना काफी मुश्किल होता है, अदिश का जोड़ बिल्कुल आसान होगा। तो ये है विभव, एक अदिश राशि हो गई। उसके बाद देखो पृथ्वी का जो विभव है उसको हम शून्य मानते हैं, क्लियर है? और अगर किसी भी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कि उस पर धन विभव है, और अगर किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसको हम बोलेंगे ऋण विभव है उसके ऊपर। क्लियर है कि नहीं? तो किसी भी वस्तु के विभव की माप हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर करते हैं। क्लियर है? अगर किसी का विभव पृथ्वी से ज्यादा होगा तो उस पर धन विभव आ जाएगा, कम होगा तो ऋण विभव हो जाएगा। क्लियर है? एक
चीज और देखना, धनावेश के कारण जो विभव होगा वो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, और ऋणावेश के कारण जो विभव होता है, आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे धनावेश के कारण विभव या आवेश के कारण विभव, वहां पर एक चीज अपने को क्लियर हो जाएगी। तो ऋणावेश के कारण जो विभव होगा ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी विद्युत विभव के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो विभव क्या होता था, परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो ज्यादातर W अपॉन क्यू नॉट कार्य बटे आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का होता था कूलम, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। सीजीएस मात्रक था इसका स्टैट वोल्ट, ये गतिज राशि है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली।